कहते हैं कि 2 महीने के लंबे सफर के बाद वो समय वो दिन भी आ गया जब वो पहुंचा भोले के धाम केदारेश्वर धाम पर, जो कि देवों के देव महादेव का एक पवित्र और बहुत ही प्राचीन धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारेश्वर धाम। वहां पहुंचने पर उस शिव भक्त ने देखा कि पुजारी जी तो मंदिर के द्वार बंद कर हब जाने लगे थे। वो भागकर वहां पहुंचा और पुजारी से कहा कि वो एक लंबे सफर के बाद यहाँ शिव दर्शन के लिए पहुंचा है, कृपया एक बार तो प्रभु जी के दर्शन करने दीजिए। लेकिन पुजारी ने कहा, बेटा मंदिर के कपाट तो अब 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। यहाँ नियम है कि 6 महीने तक ठंड और बर्फ के कारण दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, तो अब तुम 6 महीने के बाद ही प्रभु के दर्शन करना, क्योंकि यहाँ ठंड और बर्फ में एक दिन रुकना भी मुश्किल है। ये कहकर पुजारी तो वहां से चले गए। लेकिन उस शिव भक्त को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन उसे महादेव पे पूरा भरोसा था कि महादेव कोई लीला तो अवश्य ही करेंगे। और वो वहीं दुखी उदास होकर भोलेनाथ को याद करता है। धीरे धीरे अंधेरा अब बढ़ता जा रहा था और उस भक्त को अब भूख और ठंड भी लगने लगी थी। रात होने पर अंधेरे में उसे अपनी ओर आता हुआ एक तेजस्वी साधु नजर आता है। साधु ने उस शिव भक्त से पूछा